अयोध्या से अंतिम संस्कार करने के बाद डीसीएम से घर लौट रहे करीब 30 से 35 लोग गोंडा के पकड़ी कृपाल गांव के पास डीसीएम पलट जाने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग शामिल हैं। कई घायलों को लखनऊ ट्रामा सेंटर रेफर किया गया है। आप लोग तो ये जानते होंगे कि यूपी की सड़कों पर घूमने वाले छुट्टा जानवरों के कारण हर दिन सड़क दुर्घटनाएं होती रहती है। हर दिन किसी न किसी की सड़कों पर घूम रहे छुट्टा जानवरों से टकरा जाने पर मौत हो जाती है। आज भी कुछ ऐसा ही मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले के मथुरा में रहने वाले करीब 30 से 35 लोग डीसीएम में सवार होकर अयोध्या अंतिम संस्कार के लिए गए थे, जहां से देर रात वापस लौटते समय गोंडा जिले के गोंडा बलरामपुर हाईवे पर पकड़ी कृपाल गांव के पास सड़क पर खड़े छुट्टा जानवर को बचाने के चक्कर में डीसीएम अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें सवार करीब 30 से 35 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि जैसे ही गोंडा बलरामपुर हाईवे पर पकड़ी कृपाल गांव के पास छुट्टा जानवरों को बचाने के चक्कर में डीसीएम के पलटने और उसमें अधिक लोगों के सवार होने की सूचना गोंडा जिले के पुलिस कर्मियों और अधिकारियों को हुई, वैसे ही घटना स्थल पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स और रेस्क्यू टीम पहुंच गई। पुलिस कर्मियों और रेस्क्यू टीम के द्वारा रेस्क्यू चलाया गया। घायलों को एम्बुलेंस की मदद से इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां की तस्वीरें पहले आप देख लीजिए, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे आगे की खबर। अब आप लोग यह भी जान लीजिए कि जिला अस्पताल में घायलों के पहुंचने के बाद अस्पताल में पहले से मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया, क्योंकि घायलों की संख्या इतनी अधिक थी कि अस्पताल में मौजूद लोग इतनी संख्या में घायलों को देख भयभीत हो गए। घायल डॉक्टरों के द्वारा घायलों का इलाज शुरू कर दिया गया है। कई लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है और कुछ लोगों को इलाज के लिए ट्रामा सेंटर लखनऊ रेफर किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज एडिट यूपी। एक्सीडेंट हुआ है और कितने लोग घायल हैं, क्या कंडीशन है उनकी? कुछ लोग अयोध्या से दाह संस्कार करके एक डीसीएम से वापस आ रहे थे, जो जनपद बलरामपुर ग्राम मथुरा के रहने वाले थे। ये गोंडा और बलरामपुर रोड पर पंडरी कृपाल के पास एक पशु आ जाने के कारण ये डीसीएम पलट गई, जिसमें 30 से 35 लोग बैठे थे, जिसमें काफ़ी लोग इसमें चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया है, और इसमें 9 महिलाएँ भी थीं जिनको यहाँ एडमिट कराया गया है, उनको ट्रीटमेंट उनका चल रहा है, और एक व्यक्ति जो गंभीर रूप से घायल था उसे हायर सेंटर लखनऊ के लिए रेफर किया गया है। ये क्या नाम है और क्या घटना घटी है? संजय नाम है। क्या घटना घटी है? मैं अपने बड़की अम्मा को गया था संस्कार करने वाले के लिए। हाँ, मैं हरियाणा से आ रहा हूँ, वहाँ पे मैं हमारे लोग का मुलाकात हुआ। हाँ, उसके बाद में हम वहाँ से संस्कार करके वापस आ रहे हैं, तो ये रास्ते में हादसा हुआ। अच्छा, जो जिस ट्रक में आप थे कितने लोग थे? 30-35 लोग। अच्छा, कितने लोगों को चोटें आई हैं? थोड़े थोड़े सबको आए, लेकिन कुछ सीरियस हैं, थोड़े से बाकी हम लोग थोड़ा ठीक हैं। अच्छा अच्छा, बाकी थोड़े ज़्यादा सीरियस हैं। आप लोग वैसे रहने वाले कहाँ के हैं? मथुरा बाजार, जिला बलरामपुर।